नमस्ते योगीस, मैं मनीष एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का योगा 101 में। आज हम करेंगे कपालभाति, एक बहुत ही प्रभावी और प्रसिद्ध क्लिंजिंग अभ्यास। कपालभाति योग की 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है। कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं। तो कपालभाति शब्द का मतलब क्या है, इसके लाभ, एहतियात और सामान्य गलतियाँ जो हम जाने अनजाने में अभ्यास के दौरान करते हैं, कैसे उन गलतियों को सुधारा जाए, किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आज आप विस्तार से जानेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि योगाभ्यास और खान पान से आपकी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान होता रहे। चलिए योगीश, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपालभाति शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति शब्द को अगर हम दो भागों में बांटें, कपाल और भाति। कपाल शब्द का मतलब होता है सिर, हेड, और भाति का मतलब होता है चमकीला, शाइनिंग। कपालभाति शब्द का मतलब ही इसके एक लाभ को दर्शाता है, जो है कि ये हमारे सिर यानी चेहरे पर एक आभा और सुंदरता लेकर आता है, हमें जवान बनाए रखता है। अब हम कपालभाति का अभ्यास करना सीखेंगे। इस अभ्यास को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है कपालभाति करते समय हमारे शरीर की मुद्रा और शारीरिक ढांचा कैसा होना चाहिए। दूसरा भाग है हमारी श्वास कैसी चलनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भाग यानी शारीरिक ढांचे में अभ्यास के दौरान आपकी कमर और गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कमर सीधी रहने से फेफड़ों में हवा का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। अभ्यास के दौरान आप किसी भी ध्यान आसन में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। कई लोग वज्रासन में बैठना पसंद करते हैं, तो इसे वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। मैं सुखासन में बैठा हूँ क्योंकि मेरे लिए आरामदेह आसन है। इसमें आप अपने दोनों पैरों को एक के ऊपर एक मोड़ के बैठ सकते हैं। आप मेरी पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। कई लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी कारणवश, कोई बात नहीं, वह लोग इस अभ्यास को कुर्सी पर बैठकर भी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम कपालभाति सोकर भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप इस अभ्यास को सोकर बिल्कुल भी ना करें, इसको सिर्फ बैठकर ही करना है। अभ्यास के दौरान आपकी दोनों आंखें बंद होनी चाहिए, दोनों हाथों की हथेलियां चिन मुद्रा में इस प्रकार दोनों घुटनों पर रखनी है। तो यह था हमारा पहला भाग। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग के बारे में, अभ्यास के दौरान हमारी श्वास कैसी होनी चाहिए। शुरू करने से पहले 8 से 10 सामान्य श्वास लें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सामान्य श्वास चल रही है, 8 से 10। अब आपको कपालभाति के अभ्यास में अपनी सांस को तेज गति से छोड़ना है, इस प्रकार। इस प्रकार ध्यान रखें, जब भी आप श्वास छोड़े आपको अपना पेट अंदर की तरफ खींचना है, ऐसे जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं, इस प्रकार। इस प्रकार पूरा ध्यान आपका श्वास को छोड़ने में लगाना है, श्वास को लेने की बात को बिल्कुल एकदम से भूल जाएं। जैसे ही आपका पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं, सांस अपने आप आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्वास लेने की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। आपको अपना पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पर लगाना है। अभ्यास का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखें।
इस प्रकार एक बार फिर से हम करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कपालभाति का सबसे बुनियादी स्तर और बेसिक लेवल। अब हम करेंगे कपालभाति का सेकंड लेवल, जो पहले वाले से थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इस लेवल को आपको तभी करना है जब आप पहले वाले लेवल का अभ्यास आपने अच्छे से किया हो, आपको अच्छे से आता हो, आप प्रतिदिन उसको कर रहे हो। सेकंड लेवल को वैकल्पिक नासिक कपालभाति या अल्टरनेट नोस्टल कपालभाति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी दोनों नासिका को एक एक करके उपयोग करते हैं। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपका राइट हैंड को नासिकाग्र मुद्रा अपनानी है। रिस्ट में नासिकाग्र मुद्रा के लिए फर्स्ट दो फिंगर्स को, दो उंगलियों को ऐसे इस प्रकार मोड़ना है। ये है हमारी नासिकाग्र मुद्रा, आप यहाँ देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड आपका चिन्ह मुद्रा में ही रहेगा। अब राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद करना है, तेज गति से श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नासिका से छोड़ना है। इस प्रकार छोड़ने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, रिंग फिंगर से राइट से छोड़ना है। राइट से छोड़ने के बाद इसको थंब से यानी अंगूठे से बंद करना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्रकार ये चलता रहेगा। ये था कपालभाति का सेकंड लेवल। ये थोड़ा सा एडवांस है फ्रेंड्स, तो इसको आपको तभी करना है जब आपने अच्छे से बेसिक लेवल या बुनियादी स्तर को बहुत अच्छे से किया हो, आप उसमें परिपूर्ण हो चुके हों, तभी आपको ये एडवांस लेवल करना है। अब हम बात करेंगे कपालभाति के तीसरे लेवल और स्तर के बारे में, जो होता है कुंभक के साथ, यानी आपको श्वास को रोकना है कपालभाति के दौरान। कपालभाति के स्तर को वे लोग ही कर पाते हैं या करते हैं जो अध्यात्म में और योग की गहराइयों में और गहरा जाना चाहते हैं। ये सभी लोगों के लिए नहीं है। कपालभाति का लेवल 1 और लेवल 2 सभी लोगों के लिए है। सभी लोग इसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे कपालभाति का अभ्यास कितना करना चाहिए एक दिन में। सुबह का समय अभ्यास के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि आप सुबह नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप इसे शाम के समय यानी 5 से 7 के बीच में भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप अभ्यास करें आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। शुरुआती लोगों के लिए यानी बिगनर्स को एक दिन में कम से कम 2 से 3 राउंड प्रतिदिन करना चाहिए। कपालभाति का प्रत्येक चक्कर और राउंड 1 मिनट में 40 से 60 स्ट्रोक का होना चाहिए। इसको स्ट्रोक कहते हैं फ्रेंड्स, 1 स्ट्रोक 2 3, तो ये है स्ट्रोक की संख्या। 1 मिनट में 60 यानी पर स्ट्रोक पर सेकंड। ओके, ये स्पीड आपको कपालभाति के अभ्यास के दौरान बनाए रखनी है। प्रत्येक चक्कर और राउंड के बाद थोड़ी देर के लिए सामान्य श्वास लें, ताकि आपकी श्वास की गति सामान्य हो सके। करीब 8 से 10 सामान्य श्वास लें, उसके बाद आप दूसरा राउंड और चक्कर शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे नियमित अभ्यास के बाद आप राउंड्स की संख्या को भी 2 से 4 और आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही स्ट्रोक की संख्या को भी 1 मिनट में 60 से 80, 80 से 100, इस प्रकार आप अपनी स्पीड और गति को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास का होना बहुत ही जरूरी है। कपालभाति के प्रत्येक राउंड के बाद हो सकता है कि आपको महसूस हो कि आपकी सांस कुछ क्षणों के लिए रुक गई है, उसे कैवल्य कुंभक कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारी सांस कुछ क्षणों के लिए अपने आप रुक जाती है। ऐसे क्षण बहुत ही दुर्लभ क्षणों में से होते हैं, जिसमें हम एक असीम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं अपने अंदर। जो भी परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस करें अभ्यास के दौरान, उसे महसूस करें और जाने दें, उसके पकड़ कर ना बैठें, क्योंकि हमारी यात्रा योग में फ्रेंड्स बहुत लंबी है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं अभ्यास के बाद हमें खाना कब खाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कम से कम 20 से 30 मिनट का अंतराल और गैप जरूर दें, उसके बाद ही भोजन करें।
अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य गलतियाँ जो हम अभ्यास के दौरान जाने अनजाने में कर देते हैं, तो हमें इन गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। फर्स्ट यानी पहली गलती, मैंने कई बार देखा है फ्रेंड्स, कुछ लोग अभ्यास के दौरान अपने चेहरे की मांसपेशियों को खींचते हैं और मरोड़ते हैं श्वास छोड़ते समय इस प्रकार। ऐसा बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स, जितना हो सके आपकी चेहरे की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वह अपने गले से श्वास छोड़ते हैं और किसी प्रकार की आवाज़ आती है जब भी श्वास छोड़ते हैं इस प्रकार। इसमें भी मैंने बता दिया है आपको, अभ्यास में आपको श्वास अपनी नाक से छोड़नी है, गले से नहीं। कई बार लोग श्वास छोड़ने के बाद श्वास लेते भी हैं इस प्रकार। सांस लेना हमारा अपने आप चलता है जैसा मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं करना है। अब बात आती है किन किन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी, कमर में बहुत ज़्यादा पेन, दिल की बीमारी, सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, या अगर वो कर रहे हैं तो किसी अनुभवी गुरु की देखरेख में ही अभ्यास करें, अन्यथा उनकी समस्या कभी कभी हल होने की बजाय बढ़ भी सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का कृपया ज़रूर ध्यान रखें, महिलाओं को प्रेगनेंसी में और उनकी महावारी में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनकी कोई किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, मैं उन लोगों को भी कुछ समय के लिए कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को सर्वाइकल की गंभीर समस्या हो, उन लोगों को भी किसी अनुभवी गुरु की देखरेख में ही अभ्यास करें, अन्यथा ना करें। ओके, तो अब बात आती है कपालभाति के लाभ के बारे में। तो फ्रेंड्स, कपालभाति के अनगिनत लाभ हैं, उनमें से मैं कुछ लाभों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। पहला लाभ है, कपालभाति का अभ्यास हमारे पेट के पाचन तंत्र को मजबूत करता है और किसी भी प्रकार की गैस और अपच की समस्याओं को दूर करता है। अगर कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो यह हमारे बेली फैट और पेट के मोटापे को भी धीरे धीरे दूर करता है। दूसरा, क्योंकि इस अभ्यास में हम तेज गति से श्वास को बाहर निकालते हैं इस प्रकार, हम इससे हमारे फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही फेफड़ों की क्षमता में भी सुधार होता है। और अगर लंग्स यानी फेफड़ों में किसी प्रकार की रुकावट या ब्लॉकेज होते हैं तो यह उनको भी दूर करता है। नाउ थर्ड बेनिफिट या लाभ, यह अभ्यास हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है तथा हर प्रकार के आलस्य में दूर करता है। फोर्थ यानी चौथा, क्योंकि इस अभ्यास में हम अपने श्वास का उपयोग करते हैं जो हमारे सीधे सीधे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित है, यह अभ्यास हमारे नर्वस सिस्टम में यानी तंत्रिका तंत्र के ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, जिससे हमारी याददाश्त और मेमोरी पावर तथा हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, यह था कपालभाति के बारे में विस्तृत जानकारियाँ। यदि अभी भी आपके मन में अभ्यास से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट हो तो बिना हिचकिचाहट मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए, हमारी योगा 101 के परिवार के साथ जुड़ने के लिए। सभी स्वस्थ और खुश रहें इसी कामना के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।